स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। दी, आपकी आंखों में आंसू, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? कुछ हुआ है? नहीं मनु, हम लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। मायका छोड़ के ससुराल आओ तो रोना, और ससुराल छोड़ के मायका जाओ तो आंसू। जीविका, ये जीविका कहाँ चली गई? मना किया था कि बड़ी माँ के कमरे में मत आ, तो फिर क्यों आए यहाँ पर? कुछ नहीं सुना चाहता मैं, प्लीज चली जाओ यहाँ से। अरे ऋषिकेश, वापस चले जाओगे? जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, एटलीस्ट इतना तो कह सकता था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहो। ये क्या हो गया मुझे, इतना गुस्सा? मैं घर पहुंचते ही जीविका से माफी मांग लूंगा। कि आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। क्यों? सुबह सुबह अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया। अरे जितना दर्द बड़ी मां को करण की मौत का नहीं होगा ना, से कई ज्यादा दर्द तुमने मुझे दिया। और इस दर्द के लेना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे तुम्हारे सामने। अरे कसम तक दी थी कि बड़ी मां को कुछ मत बताना, लेकिन नहीं, तुमने आज मेरी सिर्फ कसम ही नहीं, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया। अरे ऋषिकेश, वापस चले जाओगे? जैसे तुम्हारी मर्जी। Sa sa re ga ma ga re sa.
दी, आपकी आंखों में आंसू? आप मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? कुछ हुआ है? नहीं मन्नू, हम लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। मायका छोड़ के ससुराल आ तो रोना, और ससुराल छोड़ के मायका जाओ तो आंसू। चल नो रोना दूना। भाभी आपकी टैक्सी आ गई, लेकिन मुझे आपको अकेले ऐसे जाते हुए देखकर ठीक नहीं लग रहा। क्या है ना, बहुत लंबा सफर है, उस रास्ते में प्रॉब्लम हुई तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं विराट, मनु अकेली पड़ जाएगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो। अच्छे से जाना दी। जीविका, ये जीविका कहाँ चली गई? जीविका, जीविका यहां भी नहीं है, कहाँ चली गई जीविका? जीविका, जीविका, यहां भी नहीं है, शायद नानी को पता होगा। नानी वो जीजू, आपकी दी से बात हुई? वो पहुंच गई है ना ऋषिकेश? ऋषिकेश, जीविका ऋषिकेश चली गई। जीविका, जीविका यहां भी नहीं है, कहां चली गई जीविका? जीजू, आपकी दी से बात हुई? वो पहुंच गई है ना ऋषिकेश? ऋषिकेश, जीविका ऋषिकेश चली गई। जीजू बताइए ना, कोई बात हुई आपकी? नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हारी बात हुई होगी। नहीं जीजू, दी से मेरी कोई बात नहीं हुई। एनीवेज,
ऋषिकेश के लिए कब निकले थे? जैसे ही आप निकले थे उसके थोड़ी देर बाद। क्यों, आपको बताया नहीं उन्होंने? नहीं, अब बताया था वो, शायद मैं भूल गया। ठीक है, तुम सो जाओ, गुड नाइट। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है। छोड़कर क्यों चले गए जीविका? अरे उस वक्त मैं गुस्से में था, पर तुमने एक ऐसे सोच लिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर आपको मेरी थोड़ी भी परवाह होती ना, तो आप मुझे एक बार जरूर रोकते विरेन जी, कहते कि नहीं जीविका मत जाओ, पर आपने ऊपरी मन से भी ऐसा नहीं कहा। क्या हो गया आपको? अरे मैंने जानबूझकर बुआ जी को करण के बारे में थोड़ी ना बताया। उस तरह के हालात अगर आपके सामने होते तो आप भी उस सच को नहीं दबा पाते वीरेन जी, पर आप ना मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। मेरे करीब रहने से आपको तकलीफ होती है, तो अब ये दूरी, आप पे यकीन हो रहा है और ना ही अपने किस्मत पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।